Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने ये क्रिएट किया है दुर्गा पूजा लुक. इसको आप जो है अष्टमी एंड नवमी पर भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड करवा चौथ आ रहा है उस पर भी रिक्रिएट कर सकते हैं, एंड जो भी न्यूली ब्राइड हैं वो भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे मेरे फेस पे आप देख सकते हैं कितने मतलब पिंपल हो रखे हैं, रेडनेस हो रखी है. तो मैं इसको कैसे हाइड करूँगी वो बताऊँगी मैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेस मिस्ट लिया है जो कि है बायम का कॉनकोनट एंड यूकेलिप्टस. उसके बाद मैंने यहाँ कोकोनट की गुड वाइब्स की फेस ब्राइटनिंग क्रीम ली है. इसको काफ़ी अच्छे से मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी और हल्के हाथों से अपना मसाज करूँगी जिससे मेरी जो क्रीम है वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, मॉइस्चराइज करे मेरे फेस को और हाइड्रेट भी करे. काफ़ी अभी ड्राई थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह से फेस ना ड्राई सा हो रखा है, इसलिए इसको मॉइस्चराइज भी करना ज़्यादा अच्छा है. एंड मैंने यहाँ पे NY Bay का जो है कलर करेक्टर लिया है ग्रीन, जो कि आपके जो ब्लेमिशेस एक्ने वगैरह है उसकी रेडनेस को कम करते हैं काफ़ी हद तक, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है. तो उसके बाद मैंने यहाँ डार्क सर्कल्स हो रखे थे मेरी अंडर आईज, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है ऑरेंज करेक्टर जो कि है स्टेको की बड़ास की पैलेट से मैंने अप्लाई किया है. तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी. और उसके बाद मैंने यहाँ पे डैम्ड ब्यूटी ब्लेंडर से इसको जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने. तो सबसे पहले मैंने यहाँ ग्रीन करेक्टर को ब्लेंड किया है, आप देख सकते हैं जो बाकी तो मेरे थे जो पिंपल्स वगैरह हो रखी थी रेडनेस वगैरह वो थोड़ी बहुत हाइड हो रखी है, लेकिन मेरे फोरहेड पर बहुत ही बड़ा पिंपल हो रखा था इस वजह से वो हाइड नहीं हो पाई. इतना बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रखी थी उस पर, मैंने कोशिश की थी उसको हाइड करने की लेकिन इतना नहीं हुआ. उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड किया है. उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का 24K ट्रू ज्वेल प्राइमर लिया है. प्राइमर मैंने अपनी आईज़ पर एंड जो जहाँ जहाँ मुझे चिक्स वगैरह की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने इसको अप्लाई किया. काफ़ी आपके जो पोर्स वगैरह हैं उनको ब्लर आउट कर देता है पिम्पल्स वगैरह का, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है उसका. उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है ओलिविया की पैन स्टिक जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है. मैंने जो शेड लिया है वो येलो शेड लिया है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी जो है अच्छा कवरेज है इसका. येलो अंडरटोन है जो कि मेरी नेक से काफ़ी मिलता जुलता है. एक्चुअली मेरी जो नेक है वो येलोइश है एंड फेस हल्का सा वाइट एंड येलो और डस्की है, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा. तो इसको काफ़ी देर तक मैं ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर से अपने. उसके बाद मैं स्टेको की पैलेट से ही कंसीलर लूँगी, कंसीलर जो मैंने जहाँ डार्क सर्कल से अंडर आईज अपने लगाऊंगी. उसके बाद मैं अपने आईलिड वगैरह है वहाँ पे इसको लगाऊंगी जिससे मेरा जो कवरेज है अच्छा मिल जाए मुझे आई शेडो का एंड जो भी डार्क सर्कल्स हैं मेरे काफ़ी हद तक हाइड हो जाएं. एक्चुअली आईज पर तो हर किसी के ही होते हैं डार्क सर्कल्स, तो मेरे को ज़्यादा ही हैं. तो इसको आप कंसील करके अच्छे से हाइड कर सकते हैं इसको आप. एंड मैं यहाँ पे चिक पर अप्लाई करूँगी पाउच बना के अपने माउथ का जिससे मुझे हाइलाइटिंग का इफेक्ट मिलेगा. तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर से. एंड प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को देखिए एंड लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स से, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. उसके बाद मैंने यहाँ जॉनसन्स बेबी का पाउडर लिया है एज अ लूज पाउडर. आप इसको एज अ लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पाउडर है ये. एंड तो मैं यहाँ पे अपनी जो क्रीज लाइन वगैरह ना पड़े एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर रखा किया है. तो मैं इसको अभी इतना ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं इसको करूँगी रिमूव. तो उससे पहले मैं अपने यहाँ पे आईब्रोज फिल कर रही हूँ, आईब्रोज एक्चुअली कॉम कर रही हूँ, उसके बाद मैं फिल करूँगी. कॉम इसलिए किया क्योंकि जो फाउंडेशन वगैरह है वो अगर फिल हो जाता है तो मैं इसको हट जाए उस कॉम्ब से. एंड उसके बाद मैंने ये जो ली है पेंसिल वो है मेलिन की ब्लैक कलर में एंड ये काफ़ी क्रीमी फॉर्मूला है इसका एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये.
आप चाहें तो यहाँ ब्राउन कलर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ब्लैक कलर लिया है एंड इसको इजीली फिल हो जाएगा। आप पहले अपनी जो आईब्रोज हैं वो अंडरलाइन किया कीजिए, उसके बाद यहाँ फिल किया कीजिए। उसके बाद मैंने लिया है कैमिलियन की मेकअप स्टूडियो की पैलेट, जो कि मैंने फ्लफी ब्रश में ले रखा है अपना रेड कलर। तो मैं इसमें अपनी क्रीज लाइन एंड आईलिड दोनों पर अप्लाई करूंगी और अप्लाई अच्छे से। काफ़ी ये पिगमेंटेड है एंड अफोर्डेबल प्राइजेस में भी है, इसमें कई सारे शेड्स हैं तो आप इसको बाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पैलेट है। फ्लफी ब्रश में लेके मैं इसको काफ़ी देर तक ब्लेंड करूंगी एंड आप हो सके जितना छोटा ब्रश लेंगे उतना अच्छे से ब्लेंड होगा आपके लिए अपने आईज का कलर एंड काफ़ी अच्छा लगता है अगर हम कलरफुल अपने आईज को क्रिएट करें तो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉपरिश कलर इसलिए क्योंकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए, मैट कलर तो था उसमें हल्का सा सिमर था, ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपरिश कलर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिया स्टे कोकी का बडास आइकॉनिक मतलब काजल है ये काफ़ी पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग स्टे करता है, स्मज प्रूफ भी है और काफ़ी देर तक ये स्टे करता है, काफ़ी अच्छा काजल है एंड वाटर प्रूफ भी है ये आल्सो, मैंने अभी दो बार यूज़ किया, काफ़ी अच्छा है ये काजल। एंड उसके बाद इसी को मैं अपने एज अ आईलाइनर भी इसको यूज़ करूँगी, इससे मैं हल्का सा इसमें विंग लाइनर लूँगी एंड इसी काजल से मैं जो है स्मोकी लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मैंने जो है स्मोकी लुक क्रिएट करने के लिए इसको ब्लेंड कर किया है काजल को एंड आई शेडो को, काफ़ी देर तक मैंने इसको ब्लेंड किया था एंड काफ़ी अच्छा लुक आया था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको मैंने रिमूव आउट किया है, बाहर की साइड पे इसको रिमूव करना है, अंदर की साइड पे नहीं करना है। उसके बाद मैंने अगेन इसी पैलेट से, स्टिकोकी की पैलेट है, उसमें से कॉन्टोर के लिए कलर लिया है, ये क्रीमी कॉन्टोर है, क्रीमी कॉन्टोर काफ़ी अच्छे से लग जाता है एंड काफ़ी अच्छा भी रहता है। आप चाहे तो यहाँ ब्रोंजर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ ब्रोंजर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे क्रीम कॉन्टोर ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय ब्रोंजर के। ब्रोंजर आपको हल्का सा जो है ब्लश का इफ़ेक्ट देता है, बट जो कॉन्टोर क्रीमी कॉन्टोर है वो आपके जो आपके फेस के को हाईलाइट करता है, एक तरीके से फेस के पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये आपका चिन एरिया है, ये जॉ लाइन है या ये चिक एरिया है, तो वो अच्छे से आपको दिख जाता है कि हाँ ये अच्छा सा लुक आता है उसको यूज़ करने के बाद। मैंने अपना फेस कॉन्टोर करने के साथ साथ नेक भी नोज़ भी कॉन्टोर की है। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे जो कॉन्टोर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए एंड अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन पाउडर यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करने के लिए पाउडर यूज़ करूँगी एंड कुछ टाइम बाद इसको रिमूव आउट कर दूँगी। उससे पहले जो है मैंने काजल हाइलाइटर यहाँ लिया था, हाइलाइटर जो है मैंने इसी पैलेट से लिया है, इसमें काफ़ी शिमर के कलर्स हैं तो आप एज आ हाईलाइटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आई शेडो तो हम यूज़ कर लेते हैं बट आई शेडो के साथ साथ इसको हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रोंजर कलर लिया था एंड अगेन जो भी जो एक्सेस पाउडर था वो मैंने रिमूव कर दिया एंड आप देख सकते हैं मेरा जो चिक एरिया है वो अलग से दिख रहा है कि हाँ ये चिक एरिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है, ब्लश है ब्लू हेवन का कोरल ब्लश है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अपने। उसके बाद मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ अपनी नोज़ को, नोज़ पर एंड अपनी जो चिक है उसको हाईलाइट किया है, तो मैंने इसी पैलेट में से जो आई शेडो की पैलेट है उसी में से जो शिमर टाइप के कलर थे, ब्राउन कलर था मतलब कॉपरिश कलर था, ब्राउन नहीं था, तो उससे अपना चिन एरिया भी हाईलाइट किया जहाँ जहाँ मुझे नीड थी एंड लिप लाइन भी मैंने अपनी की है। उसके बाद मैंने अगेन यहाँ फेस मिस्ट यूज़ किया है अपने मेकअप को लॉक करने के लिए, ये काफ़ी अच्छा है एंड ये है मेरी लिपस्टिक एंड ये है स्टिको की लिपस्टिक, ये काफ़ी सॉफ्ट मैट है, काफ़ी अच्छे स्टे करती है ये एंड एक्चुअली ये अभी है न्यूली लॉन्च है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर्पल का लिया है मस्कारा लिया है एंड मैंने जो लैसेस थी वो मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी इसलिए मैंने यहाँ अप्लाई की है लैसेस।
देन ये है मेरा, मैंने गजरा लिया एंड इयररिंग्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरा मीशो हॉल में, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ बैंगल्स लिए हैं। तो ये रहा मेरा मेकअप लुक कंप्लीट, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए मेरी वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये लुक कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। एंड प्लीज़तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा जरूर। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।